तो वेलकम बैक टू माय चैनल दिस शिवी आज डेट है ट्वेंटी थर्ड मार्च मैं आज आपको डॉग्स की कुछ मेडिसिन दिखाऊंगी और वी uh, मैं ये भी बोलूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को सिर्फ देखें और अनदेखा ना करें इसको देखे समझे और प्लीज़ आपके नियर बाय कोई भी सिक डॉग्स हो तो उनकी ज़रूर हेल्प करें आपकी एक मदद उनकी पूरी ज़िंदगी अच्छी कर सकती है प्लीज़ उनकी हेल्प करें और फिर भी <coughs> आपके पास होता है कि हम लोग इतना दर, किसी किसी को डर होता है कि उनको हम गोदी में नहीं उठा उठा के ले जा सकते डॉक्टर दूर होते हैं बट फिर भी आप उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ छोटी सी बना कर आप डॉक्टर को दिखा भी सकते हो डॉक्टर आपको सही सजेस्ट करेंगे उनको तो पता ही है कि किस डॉक्टर को ये आ, किस अगर डॉक्टर को आपको दिखाना आपको पता होगा और डॉक्टर को पता है कि हमें अगे ऐसी प्रॉब्लम है तो कौन सी मेडिसिन देनी है ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ले जाओ तो ही वो आपको दें तो फ़िलहाल फिर तुम यही बोलूँगी कि वैसे आपको दिख दिखी जाएगा कौन सी कैसे किसको कब देनी है कितनी देनी है कितने दिन का गैप देना है बट आई वुड स्टिल से दैट मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू डॉग्स विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर डेक्स लेना गलत रहेगा तो ये पहली मेडिसिन ये स्प्रे है ठीक है आप देख सकते हो उसका नाम नाम कलर आप देख सकते हो उसका इसका नाम है कैडोनोलोज क्लोहेक्सीडेंट ग्लूकोनेट स्प्रे ये एक स्प्रे है ये जो आपको ऐसे दिखाई देगा इस इस टाइप का ये जो है इसके ऊपर आप इसको डाल दोगे ढक्कन रिमूव करके ठीक है तो फिर ये स्प्रे की तरह काम करेगा और इसको क्या है इसके उसको स्किन में लगाना है डॉग की इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना नॉर्मल वे में लगाना है ये बहुत ज़्यादा जलन मारेगा उसे प्रॉब्लम हो सकती है उससे मतलब कि उसको ज़्यादा गर्मी लगे मतलब गर्मी इन सेंस कि उसको ना होता है ना एक आ, चीज़ मस्ती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है वहाँ पे और ऊपर से और वो हो जाए तो आप समझ ही सकते हो तो ऐसे में आप उसको पर ये क्या है उसको ये इसलिए दे रही हूँ कि क्यों उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि जो उसको प्रॉब्लम है वो इतनी है उसकी स्किन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसके जो बैक है और ईयर के बैक में ईयर के इनफैक्ट अंदर भी और नेक के साइड में उसको उसके एक तो हेयर रिमूव हो चुके हैं क्यों बिकॉज़ उसके जो खुजली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिससे कि ना वो क्या है कुछ भी खाता है तो उसको बॉडी में तो लग रहा है बट उसके उसमें स्किन में कोई वो नहीं हो रहा उसको इन्फेक्शन किस चीज़ से हुआ है इन्फेक्शन को ये इसलिए होता है ज़्यादा खुजली होना उनके हेयर रिमूव होना कि कुछ ना कीड़े होते हैं इनके पैर से होते हैं वो जैसे बच्चों में होते हैं मिट्टी से तो ऐसी गंदी जगह पे बैठना उठना ये लोग अब कहीं कहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं अब एक जगह तो मैंने इनकी बना रखी है अभी फिर भी उधर उधर कहीं भी जाता रहता है तो उससे क्या है इसको ना इन्फेक्शन हो गया ये इन्फेक्शन हर डॉग्स को भी हो सकता है ऐसे में अगर डॉग्स को ज़्यादा खुजली है जहाँ वो खुजली कर रहे हैं वहाँ से उसके हेयर रिमूव होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा घाव हो रहा है तो आप उसको प्लीज़ ये मेड स्प्रे दे सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाकी कि डॉग कौन सा है उसको क्या एग्जैक्ट दिखने में कैसी प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल आप इसको प्लीज़ समझें कि अगर डॉग को ज़्यादा खुशी हो तो आप इसको दे सकते हो कोई तो इशू नहीं है ऐज की जो डॉग है उसकी एज है मैक्सिमम ग्यारह साल ग्यारह साल या दस साल की उसकी एज है और सेकंड मेडिसिन दे उसी पहले तो ये देनी देनी है और दूसरी ये वाली मेडिसिन है ये आप नाम देख भी सकते हो अमिंराज ड्रिप कंसनट्रेट है ये इसको क्या है ये वाली जो मेडिसिन है ये वन लीटर में सिक्स एम देनी है जैसे यहाँ पे देख ही रहे हो ना सिक्स एम तो वन लीटर में सिक्स एम देनी है या फिर आप क्या कर सकते हो हाफ लीटर हाफ़ लीटर में इसको थ्री एम दे दो जब ख़त्म हो जाए फिर से अगेन हाफ़ लीटर डाला पानी हाफ़ लीटर पानी डालना है फिर उसके बाद इसको ये डाल दो तो उसमें दो दो बार आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छा अब ये यूज़ आई मीन ये दिखेगा कैसे ये ऐसे में दिखेगी एक छोटी सी ठीक है इस हिसाब से आप दे सकते हो और इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में इसमें लिखा हुआ भी है वन एम एल टेन एम एल ठीक है वही ये वही उसी डॉग को दे रही हूँ जो ग्यारह साल का है जिसको बहुत ज़्यादा खुजली है तो अब आप ये मेडिसिन देख सकते हो और उन्हें दे सकते हो जो अगर आपके सोसाइटी में या कहीं भी आपके डॉग नज़र में हो ठीक है कोई इशू वाली बात नहीं है और जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा खुजली है स्किन में उसके साथ से ये तो स्प्रे हो गया स्प्रे का काम करेगा ये और ये जो दोनों देनी है हो सके तो प्लीज़ हाफ़ हाफ आवर का गैप रखना कब जैसे ये पहले ये लगा दी तो हाफ हाफ आव आवर बाद उसको ये वाली स्प्रे डाल दो उस पर क्योंकि अब एक साथ सब डालोगे तो सही नहीं रहेगा और मैं आपको सही सजेस्ट करूँ तो ये वाला स्प्रे जो है वो उसको रात को लगाना क्योंकि इससे जलन मचेगी तो उसके लिए थोड़ा सही रहेगा गर्मी है धूप होती है तो बच्चे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थोड़ा बहुत अंडर में रखो उसका थोड़ा ध्यान भी रखना कहीं वो उसको चाट ना ले चाट लेगा तो उसके प्रॉब्लम हो जाएगी और सेकंड मेडिसिन आपको ये जो मेडिसिन दिख रही है ये मेडिसिन ना उसको खुजली के लिए ही देनी है अब ये मेडिसिन देने के लिए क्या है उसको जैसे एक दे दी तो आज अगर मैंने इसको एक दिया ट्वेंटी थर्ड मार्च को तो दो दिन का गैप देना है मेरे को ठीक है जैसे कि ट्वेंटी थर्ड को दिया तो ट्वेंटी फोर नहीं देना ट्वेंटी फाइव नहीं देना ट्वेंटी सिक्स को फिर से देनी है उसको ये मेडिसिन आप ऐसा ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ दूध के साथ दो अच्छा ये रहेगा कि उसको रोटी के साथ दो ताकि बॉडी में रोटी भी जाए खाना भी और इसको मेडिसिन भी प्रॉपर मिल जाए ठीक है और ये जो दवाई है ये मेडिसिन इसमें नाम क्लियर नहीं आ रहा ना Just a minute. ये मेडिसिन क्या है ना ये आप डॉक्टर तब दे सकते हो जब उसको जैसे खास जाए वो हम कहते हैं कि कुछ अटक गया एक बार डॉग कब खासता है जब उसको उसके गले में कुछ अटक जाता है ठीक है ना और कभी कभार अब आपको लग रहा है कि उसने खाना तो खा लिया और उसने निकाल भी दिया थोड़ा थोड़ा वॉमिट कर हल्का फुल्का निकाल दिया वॉमिट करके और पर फिर भी वो खास रहा है तो ऐसे में आप इसको वाली मेडिसिन दे सकते हो इसमें नाम क्लियर ये खाती मेरी क्वीन है ठीक है ये जो मेडिसिन मुझे मिली है ये मिले मुझे दो इसको क्या बोला गया है कि तीन देनी है मुझे जो आ, मतलब डॉग की उम्र के हिसाब से उसकी एज अब जिसकी टेन ईयर एज है उसको बोला गया है कि तीन मेडिसिन उसको एक साथ देना ठीक है और एक ही बार में तीन देनी है अगर उससे कोई छोटा है जैसे कि कोई पाँच छः साल का है उस इन्फेक्शन ये वैसे देखा जाए तो एंटीबायोटिक लाइक किसी भी इन्फेक्शन हो कोई सा भी तो उससे उसको इससे क्या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा और अगर छोटा है तो उसको एक दे दो ठीक है अगर वही वो अगर सात से आठ साल का तो दो दे दो वो दस से ग्यारह साल का है तो उसको मैं तीन देने के लिए मुझे बोला गया है तो ये मुझे छः उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि ले जाओ ये छः उन्होंने क्या बोले मेडिसिन के पैकेट दिए उनके लिए तो आप दे सकते हो तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ अगर हो सके तो बच्चों की हेल्प करना आपकी एक छोटी सी हेल्प बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हटा सकती है ये दो स्प्रे है ये स्प्रे रात को देना सही रहेगा क्योंकि इससे जलन मचती है ये वाला स्प्रे जो है आप इसको एक बार कभी भी लगा सकते हो और दोनों में गैप देना है हाफ ऑफ आवर का ये वाली मेडिसिन आप किसी को भी दे सकते हो कोई भी डॉग डौ, को क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है किसी भी इन्फेक्शन होगा उसमें उसको उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी मेरी क्वीन इसका नाम है ये मेडिसिन ऐसे दिखेगी छोटी होती है ठीक है और छोटे बच्चे को भी दे सकते हो बड़ा है तो उसको तीन दे दो तीन से ज़्यादा नहीं और ये वाली आपको मैंने ही दिया कि जब खुजली होती है तब देनी है ठीक है एव एम है ये टेन एम की है इसको गैप देना होता है इसमें दो दो दिन का गैप ठीक है आज दी है कल नहीं देना परसों नहीं देना फिर उसको न देना है और खाने के साथ किसी भी, भी साथ दे सकते हो ऐसा नहीं है कि खुजली वाला डॉग खुजली है उसको बहुत ज़्यादा और उसको बच्चे को आप सोच रहे हो दूध नहीं देना अगर वो दूध खा रहा है आपकी दूध और रोटी खा रहा है तो अच्छी बात है उसको दो जो वो खाता है उसको वो दो बट प्लीज़ दो और ये मेडिसिन दे सकते हो आप उसको तो होप्सो कि ये वीडियो बेनिफिट हो बच्चों के लिए आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जहाँ पर ये वीडियो जाए वहाँ पर मदद हो सके और कोई गलती होगी हो तो उसे माफ़ करना थैंक यू सो मच